क्रिकेट इंसान के बारे में बात करें ना, अभी इसका शो आ चुका है व्हाट्सएप पे, ये पढ़ रहा था मैं, सबसे आखिरी में डालूंगा ऐसे में। और कौन सी न्यूज़ है? कंगना रनावत के बारे में बात करेंगे, क्यों? मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। अबे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया ना, तो मज़ा आएगा कंगना के बारे में बात करके। कंगना रनावत, रनावत अभी तुम्हें मालूम उसका शो आ रहा है, तो हर दिन न्यूज़ में आएगी वो। तो अभी उसका शो आ रहा है एकता कपूर के साथ, और अगेन मीडिया वालों ने भी वही क्वेश्चन उठाया था, मैंने पहले भी दिन उठाया था, नेपोटिज्म, क्योंकि दीदी ने बहुत कुछ करा है पिछले 2 साल के अंदर। आज दीदी का बयान आ गया कि मैं कभी खिलाफ नहीं थी नेपोटिज्म के। अच्छा, तो वो ट्विटर पे क्या और न्यूज चैनल पे जाके क्या हग रही थी? नेपोटिज्म ने बर्बाद कर रखा है इंडस्ट्री को, मतलब पैसा मिला, आई लव नेपोटिज्म, पैसा नहीं, आई हेट नेपोटिज्म। ऑन ऑफ कब स्विच बटन है क्या तू? और लिटरली हिपोक्रेसी है आज भी और उस टाइम भी, क्योंकि इसके सारे आज से ज्यादा जो बिजनेस ये ओन करती है वो इसके भाई बहन देखते हैं, मतलब खुद नेपोटिज्म को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, और फिर दूसरे को ब्लेम करती है। बट जब दूसरा पैसा ऑफर करता है, अरे बहुत अच्छे लोग हैं ये, मैं खिलाफ थोड़ी हूँ। अरे चार लोग पूछेंगे तो क्या बोलोगी? कंगना तेरा नी सारू कर ये सारे। चलो कंगना तो ये बोल देगी, बट एंजेलिना जोली क्या बोलेगी? अबे एंजेलिना जोली के पति नहीं थे एक्स हस्बैंड ब्रैड पिट, तो उसने केस मार दिया एंजेलिना जोली पे। क्यों? मुझे क्या लेना उनके घर का मैटर, तुम्हें क्यों जानना मैं? अरे मतलब उनका कोई था वो फ्रेंच वाइनरी के में कोई स्टेक वेस था, स्टॉक ब्रॉक, तो उसने बेच दिया बिना बताए, टिपिकल गर्ल्स थिंग। सुनना सब कुछ है, जानना सब कुछ है, सुनाना सब कुछ है, बट जहाँ काम की बात आई चुप। दुनिया भर की बकवास करा लो लड़कियों से, काम की बात नहीं होती इनसे कभी भी। 8 मिनट उठ जाएंगे वो तो जाना चाहिए, इतना बोला है। थंबनेल बना रहे थे यार, हो गई न्यूज, अब हो गया खत्म। 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक डाल सकता हूँ वीडियो में, बट दूसरी वीडियो भी शूट करनी मुझे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार है नहीं चाहत से। अब क्या घटिया लाइन है यार ये वाली, चाहत से हम तुम हैं, चाहत से संसार है, कहो बाहर निकल के देखिए दुनिया जरा, चाहत से नहीं हरामीपन से है। अबे मैं टिकटॉक पे देख, वो टिकटॉक कर रहा, इंस्टाग्राम पे रील्स चेक कर रहा था, फनी रील्स ढूंढता रहता हूँ मैं, तो एक बंदा ना बोर्ड लेके खड़ा था, तो आधे पे लिखा था लव और आधे पे लिखा था मनी, तो लव वाली साइड में उसने फ्लावर्स लगा रखे थे और मनी वाली साइड में उसने पैसे चिपका रखे थे, और लेके खड़ा है रोड पे स्ट्रीट पे, तो लोग आ रहे हैं और कंफर्म करें कि हाँ असली पैसा ले सकते नहीं ले सके, और सब ने पैसा चुना, एक बंदा फूल लेके नहीं गया है, लव लेके नहीं गया है। हम बकैती मारते हैं प्यार के बारे में, बट जब जरूरत होती है ना हम प्यार से ऊपर पैसा रखेंगे हमेशा, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हमें पैसा पहली जगह पे क्यों चाहिए था, टू प्रोवाइड फॉर आर लव वंस। हराम ये दुनिया। सही कहा था बलू जी ने, ये तो एक्स्ट्रा शूट कर रहा हूँ, सेकंड चैनल पे डाल दूंगा, थर्ड चैनल पे डाल दूंगा। अबे थर्ड चैनल से याद आया, अबे यहाँ पे बात करके फायदे नहीं, थर्ड चैनल बेसिकली मैं बोल रहा था कि लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं, छोड़ो सेकंड चैनल की वीडियो पे बता दूंगा, बाकी सीनों पे खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर सम फनी रील्स स्टोरीज। मैं पोस्ट नहीं करता रील्स, मैं दूसरों के शेयर करता हूँ। अब मैं सारे क्रिएटर ही बन जाएंगे तो देखने वाला कौन बचेगा? कोई तो देखने वाला चाहिए ना, मैं हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब चाय पीना भूल गया तुम्हारे चक्कर में, क्या बकवास ही है। ओए पिंकी व्हाट्स अप, चाय पी? ठंडी नहीं है, मुंह जल जाते रहो भाई, गुड स्किन निगाहें, ऐसा लग रहा साले दुख पहुंचा रहा, मैं पी नहीं सकता तो मजे ले रहा, जा जा ऊपर लटक जा, मैंने सब कुछ बाहर रख दिया सिवाय इसके, लाइव स्ट्रीम लाएंगे इसको।